पंजाब के मोहाली में कल पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। आज हम उसी हेडक्वार्टर के सामने हैं। कल शाम को 7:45 पर यह कहा जा रहा है कि एक स्विफ्ट डिजायर, सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर में दो लोग आए और उन्होंने जो यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है, जो इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आकर आरपीजी अटैक किया। आरपीजी यहाँ पर दागा और तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही खिड़की है जो तीसरे माले की, ये वही खिड़की है जहां पर आरपीजी दागा गया। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो शीशे हैं, जो ग्लास है, पूरी तरह से टूट चुका है और बगल की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो हमला था कितना क्लोज हमला था। ये वही सड़क है जहां पर बताया जा रहा है कि वो दो लोग जो हैं स्विफ्ट कार में आ और इसी सड़क पर हमला करते हुए निकले। आज जब से ये हमला हुआ तब से जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस अगर महकमे की बात करें तो जगह जगह छापेमारी चल रही है। इस मामले में अब तक कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। डीजी ने अभी मीडिया को ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि जो तार है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से इस जो साजिश को इसको ट्रैक और क्रैक करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही जो पंजाब के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनको बताया जाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है और किसने इतनी बड़ी साजिश रची। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर यहाँ तक वो लोग एक इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर तक दो लोग पहुंचते हैं और किसी को अंदाजा नहीं है कि वो लोग यहां पहुंचते हैं और इतने आसानी से जो घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चाहे सरकार की बात करें चाहे पुलिस की बात करें, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो भी इसके दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज 24।